हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जोकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज के अंदर जोकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम, सुनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलोन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामार्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाली वाले, नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। लाखों किसान बैठे हैं, 600 से ज्यादा हमारे किसान साथियों ने शहादत दे दी। करनाल में एक हफ्ता पहले हमारे साथी की शहादत हुई। मैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के वो तमाम सहयोगियों से कहना चाहता हूँ, कभी कभी जब लंबी बात कहनी होती है तो लंबी बात कहने की जगह पर अगर कुछ शेर, कुछ कविताओं की पंक्तियाँ कह दी जाएं तो पूरी बात। एक शेर है, प्यासी थी जमीन सारा लहू पिला दिया, प्यासी थी जमीन सारा लहू पिला दिया। जनोने ये मुझ पर वतन का कर्ज था, मैंने चुका दिया। और मैंने उससे कहा जलाने को एक चिराग, उसने इस बहाने मेरा घर जला दिया। ये घर जलाने की तैयारी है। और मैं आपसे कहता हूं, हमको बहुत धर्मों की आग में बांटा गया और इस देश के अंदर पूंजी की ताकत को मजबूत किया गया, लेकिन हम अब कहना चाहते हैं कि आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाखों को जवान ये गीत गाया करते थे और आज उस गीत को फिर गाने की जरूरत है। कदम कदम बढ़ाए जा, ये नई कौन गाता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में। गुरदयाल सिंह ढिल्लो, मनमोहन सहगल और जाता था शहनवाज खान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये कौम पर लुटाने की लड़ाई है, नए भारत को बचाने की लड़ाई है। मैंने स्वामीनाथन कमीशन में आपके किसानों की तरफ से अकेली रहनुमाई की थी, नेतृत्व दिया था। ये C2+50 का फॉर्मूला ठीक आदमी कह रहे थे कि मैंने लिखा, लेकिन आज ये देश की आवाज बन गया है। ये देश बिकने नहीं दिया जाएगा। परसों सरकार का एक आंकड़ा आया है, एक मिनट ज्यादा रुका, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। भारत सरकार का एक आंकड़ा परसों आया है जिसमें कहा गया है कि 2013 से 2018 के बीच में किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ गया। इन 5 सालों में 27,000 रुपए प्रति परिवार, देश के अंदर 10.25 करोड़ परिवार किसानों के हैं, उन पर 27,300 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया। मोदी जी आप कहते हो हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, वो तो कर्जों में फंसते जा रहे हैं, उन पर तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देश बेच दिया है। आपको मालूम है 26,000 किलोमीटर लंबी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सड़कों पर राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण योजना के तहत ये देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचा जाएगा। अब सड़कों पर साइकिल जलाने पर भी टैक्स लगेगा। मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे पंजाब और किसान में टोल टैक्स माफ करा दिया है। अब लड़ाई लड़ी जाएगी कि देश पर किसानों का कोई टैक्स नहीं रहेगा। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं आखिर में इन शब्दों से कहना चाहता हूँ, लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई जीतेंगे। आजादी की लड़ाई 100 साल तक चली थी, नई आर्थिक आजादी की लड़ाई अगर कुछ साल चलेगी और कुछ हजार लोग अपनी कुर्बानी देंगे तो देंगे अपने माँ की जमीन को।
शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, अशफाक उल्ला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह की जमीन को अगर हमने अंग्रेजों से बचाया है तो इस बीजेपी की सरकार से भी बचाएंगे। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए यह कहते हुए कि अंग्रेज साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और ये आरएसएस के लोग नागपुर में कहते थे क्या, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जिंदाबाद। ये नारा